हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी पी वन प्रो फ़ोन है, तो रियल मी पी वन प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में DPI को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन का DPI आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि DPI को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और DPI को बढ़ा पाएंगे अपने फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जिसको आप यूज़ करके फ़ोन में DPI को इंक्रीज़ कर सकते हैं और फ़ोन का DPI भी आप बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे, DPI को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। स्लाइड करते ही अबाउट फ़ोन पे जाना है, फिर आपको स्लाइड करते हुए वर्जन पे जाना है, उस तरीके से बिल्ड नंबर पे टैप करके DPI को इंक्रीज़ कर सकते हैं और DPI को बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में। कुछ इस तरीके से आपको बिल्ड नंबर्स को ऑन करना है, इस तरीके से पासवर्ड डाल के, और आपका डेवलपर ऑप्शन है ऑन हो जाएगा, जहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग्स पे चले जाना है। जब एडिशनल सेटिंग्स पे आप जाते हैं तो फ़ोन के DPI को बस इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जो भी आप DPI को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपको डेवलपर ऑप्शंस पे जाना होगा। तो डेवलपर ऑप्शंस पे जाकर सिंपली बस स्लाइड करना है, स्लाइड करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट विथ। तो इस पर जाकर DPI को अपने तरीके से जो भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से 390 भी कर सकते हैं, DPI स्मॉल हो जाएगा, या फिर नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, 350। तो 350 में आपका DPI इस तरीके से नॉर्मल टाइप में शो करेगा। तो इस तरीके से DPI को सेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में